नमस्कार, सूर्यांशी चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एनआरसी सुर्खियों में रहा था और अब भी सुर्खियों में भी है। दरअसल बात यह है कि एनआरसी की मांग कई और राज्यों में भी उठने लगी है, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर देश से बाहर निकाला जाए। अब एनआरसी की तैयारी झारखंड में भी हो रही है, क्योंकि झारखंड बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठियाँ झारखंड में भी बसे हुए हैं। झारखंड सरकार अब झारखंड में भी एनआरसी की तैयारी कर रही है। अभी सिर्फ साहिबगंज और पाकुड़ को लेकर केंद्र को भेजी गई है रिपोर्ट। राज्य के केवल 2 जिलों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी लागू करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, इससे पूरे प्रदेश में लागू करना होगा। पुलिस मुख्यालयों में इस पर मंथन जारी है और शीघ्र ही इससे संबंधित प्रस्ताव सरकार की सौंपने की तैयारी है। इसके लिए यह तय हो रहा है कि 24 मार्च 1971 की आधी रात के पूर्व तक अगर आपके पास भारत की नागरिकता से संबंधित निर्धारित 14 दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप घुसपैठिया कहलाएंगे। और केवल 2 जिले पाकुड़ और साहिबगंज में एनआरसी लागू करने को लेकर झारखंड सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 10 जानकारियाँ 2018 कि केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट और इसके बाद एक और रिमाइंडर पर पुलिस मुख्यालय गंभीर चिंता कर रही है। यह चिंता जताई गई कि केवल 2 जिलों में एनआरसी लागू करने तैयारी चल रही है।